इसराइल और हमास के बीच जारी जंग अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां ये इतनी आसानी से किसी एक के पक्ष में नहीं जाने वाली है। ऐसे में नेतन्याहू की गाजा पर कब्जा करने वाली कसम पूरी होना इतना आसान नहीं नजर आ रहा है। जंग के दौरान ऐसे कई मौके आए हैं जब इसराइल को भी नुकसान हुआ है और इसके लिए नेतन्याहू अपने ही देश में घेरे भी गए हैं, कभी विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा तो कभी अपने ही देश में हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन से। इस सब के बावजूद भी मध्यस्थता का ख्याल शायद ही कभी इसराइल के जहन में आया है। इसराइल पर जब पहला हमला हमास ने किया था उस दौरान इजरायली इलाके दहल गए थे और कई लोग बंधक बनाए गए थे, जिसमें कुछ इजरायली नागरिक थे और कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। केवल युद्ध विराम ही इन बंधकों की रिहाई का एक रोड मैप था, लेकिन इसराइल इसके लिए भी जल्दी तैयार नहीं हो रहा है, जिसके लिए इसराइल के अंदर ही कई बार नेतन्याहू को विरोध का सामना करना पड़ा है। और इसी कड़ी में अब इजरायली सरकार में अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच अब विवाद हुआ है, या यूं कहें कि एक आपसी मतभेद हो गया है। ये मतभेद कैबिनेट की एक मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी मामले को लेकर हुआ, जिनमें दोनों नेताओं के बीच फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायली डिफेंस फोर्स की तैनाती को लेकर विवाद हुआ और फिर ये विवाद बहस में बदल गया। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट से कहा कि वे फिलाडेल्फी कॉरिडोर में सैनिकों को तैनात रखने के पक्ष में हैं, बजाय कि गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को छुड़ाने के, और इसी बात को लेकर दोनों नेताओं में अनबन हो गई। गैलेंट और सुरक्षा प्रमुखों ने मीटिंग में अधिक समझौता करने के लिए नेतन्याहू पर बार बार दबाव डाला, खास तौर से फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के संबंध में उन्हें डर है कि प्रधानमंत्री के सख्त रुख से ये सौदा विफल हो सकता है। दरअसल सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग में नेतन्याहू ने नेताओं के सामने एक मैप रखा गया, जिसमें इजरायली फोर्स ने लोकेशन मार्क की हुई थी और यह दिखाया गया था कि किस तरह 9 मील लंबे फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायल अपने सैनिकों को तैनात रखेगा। इसी मुद्दे पर सीजफायर के पहले चरण में गाजा से बात होगी। गैलेंट और सुरक्षा प्रमुख चाहते हैं कि सीजफायर में बातचीत के दौरान ज्यादा मुद्दों पर समझौता किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कठोर रवैया रखने से डील तक पहुंचने में बाधा आ रही है, खास तौर पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर के मामले में। इजरायली न्यूज चैनल 12 के मुताबिक मंत्रियों को पहले ये जानकारी नहीं दी गई थी कि उन्हें फिलाडेल्फी कॉरिडोर को लेकर वोट करना पड़ सकता है। गैलेंट ने नेतन्याहू से पूछा कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि हमास इसके लिए तैयार नहीं होगा, यानी कि समझौता नहीं होगा और ना ही बंधक छोड़े जाएंगे, जिस पर नेतन्याहू ने कहा कि यही फैसला है। हालांकि ये बहस इतनी बढ़ गई थी कि नेतन्याहू ने टेबल पर हाथ जोर से दे मारा था। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर नेतन्याहू फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण क्यों चाहते हैं। इसी कड़ी में नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास इसलिए हमला कर पाया क्योंकि इसराइल का फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कोई नियंत्रण ही नहीं था, और अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले समय में भी इसराइल हमास के हमलों को नहीं रोक पाएगा। और अपनी इस बात के समर्थन में नेतन्याहू ने कहा कि उनका स्टैंड हमास को डील के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इस दौरान नेतन्याहू अपनी बात पर अड़े रहे। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में हमास ने 6 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति जताई थी, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आने वाले चरणों के लिए बातचीत होनी थी। हालांकि गैलेंट और नेतन्याहू के बीच पैदा हुआ मतभेद इजरायली सरकार और खास तौर पर भविष्य में नेतन्याहू के इजरायल के नेतृत्व को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है।